अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। शेर सिंह यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। देखिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हो या वो तमाम करीबी नेता हो, एक एक करके बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कई बड़ी चुनौती आगामी चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इससे पहले एक के बाद एक कई बड़े झटके कांग्रेस को लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की इस रणनीति से पार्टी तो मजबूत हो ही रही है, साथ ही साथ हर स्तर पर मजबूती लाने के लिए ये एक बड़ा कदम बीजेपी का माना जा रहा है। एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन वहां पर भी सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब साबित हो रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ये जो दिग्विजय अभियान चल रहा है, उस दिग्विजय अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊँ तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक दाव लगाओ ना जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं लेकिन कभी कभी हारने से बचने की आंख में धूल झोंक करके रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री के रूप में जब हमको मिले हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के बाद हम और अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश को इसकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, प्रदेश की आम जनता के लोक कल्याण के लिए नए नए काम लेकर के आगे चलेंगे। तो सारी योजनाएं पुरानी जारी रहेगी, किसी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज इस परिवार में शामिल होने पर हमारी पूर्व विधायक, मैं 13 से 18 में आपके साथ ही था, श्रीमती पारुल साहू जी, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा राजगोपाल, प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व प्रशासन अकादमी में 22 साल का आपका अनुभव। अब ये आपका आना एक तरह से हम जो कहते हैं कि हमारी पार्टी में बुद्धिजीवी लोग सबसे पहले आते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करता है। पारुल साहू जी मौजूद है जिन्होंने कुछ देर पहले भाजपा में सदस्यता ज्वाइन की है। मैम अभी अभी भाजपा में आई, मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ जो मुझे स्नेह और जो अपनापन मिलता है वो यहीं आके मिलता है और सुकून मुझे अपने परिवार में। भाजपा आने के बाद किस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अपेक्षा करेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और जो पार्टी आदेश करेगी वो काम करेंगे। एक लंबे अरसे तक बीजेपी में थी, फिर एक बार गैप लिया, वापस अब आई है। देखिए कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, तो अपने गलत निर्णयों को सुधार करना मुझे लगता समझदारी है और अपने परिवार में वापस आके मुझे बहुत खुशी है। तो ये थी हमारे साथ पारुल साहू जिन्होंने कुछ देर पहले ही भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की और उनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि लंबे अरसे तक बीजेपी में रहने के बाद जब उन्होंने बीजेपी से विदाई ली थी तो कहीं ना कहीं वो उनकी गलती थी और अब वो एक बार वापस भाजपा में वापस आ चुकी हैं और भाजपा जो भी उन्हें जिम्मेदारी देगी वो पूरी निष्पक्षता के साथ उस जिम्मेदारी को पूरी करेंगी। कैमरामैन भरत के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, News 24 भोपाल। तो कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके यहां पर लगते नजर आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता हो या फिर यहां पर पारुल साहू का ये बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए। देखिए शेर सिंह यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद रहे, पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आए। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बीजेपी जहां हर स्तर पर मजबूती लाने का प्रयास कर रही है और यहां पर अपने हर रणनीति पर सफल भी होती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए कई बड़ी